तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी की एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तारंगा हिलिया में बोलो दोस्तों वेठा से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक के लिए नई रेल लाइन परियोजना के अपडेट के बारे में, जिसको भारतीय रेल के द्वारा दोस्तों अब क्लियर तरीके से संपूर्ण तरीके से प्रस्तावित कर दिया गया है। साथ ही इसकी जो लेंथ है दोस्तों उसको निर्धारित करते हुए यहाँ पर बजट भी पास कर दिया गया है। सबसे मेन चीज़ ये है कि दोस्तों ये जो रेल लाइन है ये कनेक्टिव रेल लाइन होने वाली है, कि ये एक वैकल्पिक रेल लाइन होने वाली है जो कि मेहसाणा से निकलते हुए दोस्तों वेठा यानी कि तारंगा हिल होते हुए अंबाजी होते हुए आबरोड में आकर के मिल रही है। बाई चांस अगर अहमदाबाद आबरोड सेक्शन पर या फिर दोस्तों मेहसाणा आबरोड सेक्शन पे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों ये जो रेल लाइन है ये कनेक्टिव रेल लाइन हो सकती है, जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा, मिनिमम ट्रेनों का संचालन इस रूट पर किया जाएगा। बात करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में, जानेंगे पूरी डिटेल से कि क्या है पूरा टॉपिक और किस तरीके से इस रेल लाइन का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। मैप के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल सेक्शन जो है दोस्तों वेठा से तारंगा हिल के बीच में ऑलरेडी मीटर गेज सेक्शन हुआ करता था, जिसका गेज कन्वर्जन किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन 2,798 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो राशि है उसको प्रस्तावित कर दी गई है, यानी कि इसके लिए जो बजट है दोस्तों तकरीबन 2,798 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। अंबाजी जो कि दोस्तों गुजरात का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो कि अंबाजी दोस्तों 51 शक्तिपीठों में एक जो मंदिर पड़ता है दोस्तों वो शामिल है। और यहाँ पर तारंगा हिल में भी दोस्तों अजितनाथ जी का जैन मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि दोस्तों सिरोही जो जिला पड़ता है, जिले या शहर के अंदर दोस्तों रेल लाइन नहीं है, लेकिन हाँ सिरोही के अंदर दोस्तों ये एक और रेल लाइन का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि गुजरात से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देगा। करीब 116 किलोमीटर की इसकी लंबाई होने वाली, जिसके अंदर दोस्तों तकरीबन 54 बड़े पुल और 151 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। रेल फाटकों का निर्माण दोस्तों इस रेल लाइन में भी बिल्कुल नहीं किया जाने वाला है। दूसरी बात ये कि दोस्तों ये भी एक घाट सेक्शन के ऊपर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जिसकी खूबसूरती देखते ही बनने वाली है। हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा सेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों, ये जो रेल लाइन है अगर इसको आगे अंबाजी तक लेकर के आया जाएगा तो दोस्तों आबू रोड से सीधा जो रेल लाइन है दोस्तों उसके भी कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी हिम्मतनगर तक। और एक और जो वैकल्पिक रूट है वो सामने आ जाएगा आबू रोड तक के लिए अहमदाबाद के बाद में। यहाँ पर दोस्तों 8 रोड ओवर ब्रिजेस बनने वाले हैं, यानी कि रेल लाइन के ऊपर से जो 8 ब्रिज निकलेंगे वो हैं दोस्तों, और रेल लाइन के नीचे से यानी कि अंडरपासों का यहाँ पर जो निर्माण किया जाएगा उनकी संख्या दोस्तों 54 है। और 11 रेल सुरंग है जो दोस्तों इस 116 किलोमीटर के रेल रूट के अंदर होने वाली है। रेलवे स्टेशनों की संख्या को अभी यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है, अभी यहाँ के सर्वे तो दोस्तों जो है वो पहले पूरा कर लिया गया है। अभी ये देखना ये रहेगा कि वेठा से अंबाजी और अंबाजी से लेकर के आबू रोड के बीच में दोस्तों कितने रेल स्टेशनों का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 रेलवे स्टेशनों का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाएगा, और मैक्सिमम दोस्तों उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन के तरह हॉल्ट रेलवे स्टेशन होंगे। और दोस्तों इसकी जो आखिरी डेडलाइन रखी है, यानी कि इस रेल लाइन का जो काम है लगभग 2026 तक पूरा करने की यहाँ पर जो उम्मीद है उसको बताया गया है। बाकी देखना रहेगा कि आखिर कब तक ये जो रेल लाइन है इसका काम जो पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित तो ये जो रेल लाइन है दोस्तों ऑलरेडी थी, अब बजट नहीं मिला हुआ था, बजट भी मिल चुका है, अब काम शुरू होने की जो देर है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।